बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई और दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नदीम फूड्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मटन की ये रेसिपी लेकर आया हूँ। बकरे का गोश्त ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। जो बहन भाई और दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लाइक करें। छोटी सी वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करनी है। तो चले हम शुरू करते हैं। अल्लाह का नाम लेकर पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, जहाँ पर मैंने दो प्याज लिए हैं बड़ी साइज के, अदरक लिए है और लहसुन लिया है। इसको हम पहले फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करके इसको ग्राइंड करेंगे। इसको हम लाइट ब्राउन कर लेते हैं। इसको हम अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लेते हैं। आप पेस्ट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और बेशक आप इसका पेस्ट ना बनाएं, आप फ्राई करके इसको ग्राइंड कर लें। यहाँ पर मैंने ले लिया है मटन। इसको मैं एक केजी मटन है, इसको मैंने बॉयल कर लिया है। इसको मैं ऑयल में फ्राई करूँगा। इससे फ्राई करने से क्या होगा, एक तो इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी, दूसरा इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैं शामिल कर एक अदद तेज़ पत्ता है, ये बड़ी वाली काली इलायची है, दो ग्रीन इलायची हैं, तीन अदद लौंग है, ज़ीरा है और काली मिर्च है, दालचीनी का एक टुकड़ा है, इसको डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। प्याज और लहसुन हमारा लाइट ब्राउन हो गया। यहाँ पर मैं टमाटर शामिल कर रहे हैं। इनको ये मैंने चार टमाटर लिए हैं, इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। दो मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं ताकि जल्दी हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। दो मिनट हो गए हैं, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ा सा ठंडा करके। मटन हमारा फ्राई हो चुका है। यहाँ पर मैं नमक शामिल करने लगा हूँ, हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। यहाँ पर मैं लाल मिर्च की जगह कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करूँगा, दो टेबल स्पून ये इसमें शामिल करते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। मसाले और मटन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसमें हम जो मसाला मैंने बनाया था ग्राइंड करके वो शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मिक्स कर लेते हैं। इस तरह पकाने से इसका कलर जो होता है, इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एक बार, आप फिर इसी रेसिपी को ट्राई किया करेंगे।
यहाँ पर मैं थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल करने लगा हूँ, हरा धनिया शामिल करते हैं, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इसका कलर देखें कितना प्यारा है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जो बहन भाई और दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। तो माशाल्लाह हमारा मटन तैयार हो गया, आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें इतनी प्यारी लुक आई है, हमारा मटन तैयार हो गया है, बकरे का गोश्त। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो आपने अच्छा सा कमेंट करना है। दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।